हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल दिस साइड सिद्धि। और आज की क्लास में मैं आप लोगों को आपके डाउट क्लियर करने वाली हूँ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट के डाउट हैं कि मैम दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो एग्ज़ाम होंगे एंट्रेंस एग्ज़ाम में, तो उसमें हम लोगों के कितने क्वेश्चंस करेक्ट होने चाहिए, कितने मार्क्स पे हम लोगों का एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर माना जाएगा। तो बहुत सारे बच्चों के कमेंट भी आए थे, मैसेज आए थे कि मैम आप लोग एक इस पर वीडियो बना दीजिए, हमारे ये डाउट है इसको क्लियर कर दीजिए कि हमें कितने क्वेश्चंस हमारे सही होने चाहिए। ये सब मैं आपको आज की वीडियो में बताने वाली हूँ। वीडियो के एंड तक बने रहना और आज की वीडियो में आपको आपके सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं। क्लियर हो गया? तो स्टूडेंट, जैसे कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि आप लोगों की जो ये अभी होगा, आज भी मैं आपकी बात कर रही हूँ, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएट की बात कर रही हूँ, तो आप लोगों का जो अभी एमएसट्री का जो एग्ज़ाम होने वाला है वो होगा इसी जुलाई में। ओके, तो जुलाई में ही होगा, अभी डेट तो नहीं आई है, बट इसी जुलाई में आप लोगों का ये एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला है। तो स्टूडेंट, उसके बाद आप लोगों की कुछ कट ऑफ निकाली जाएगी। जैसे आप पहली कट ऑफ अगस्त में ही आएगी, दूसरी भी, सारी कट ऑफ, पाँच कट ऑफ आपकी अगस्त तक आएगी, और छठी सातवीं जो है, आठ तक तीन जो और हैं ये सितंबर में आएगी, मतलब अगस्त सितंबर में आपकी कट ऑफ भी आएंगी। अब बात करते हैं कि सबसे पहले तो आपको ये बात जानते हैं कि आपकी जो एम ए हिस्ट्री है वो 100 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, जिसमें आपके 400 मार्क्स का आपका ये पेपर होता है, और पर क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का होता है, ठीक, सॉरी, पर क्वेश्चन आपका 4 मार्क का होता है, और नेगेटिव मार्किंग भी 1 मार्क की होती है। तो स्टूडेंट, सबसे पहली बात, आपका जो ये डाउट था कि आप लोगों का, देखो स्टूडेंट, तो आप लोगों को यहाँ पे कोई परमानेंट ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है कि आपके इतने क्वेश्चंस आपको करने हैं, इतने ये वो, ये जो एनालाइज किया जाता है, जो आपका एंट्रेंस एग्जाम क्लियर माना जाएगा, वो होता है स्टूडेंट आपका जो लास्ट ईयर की कट ऑफ होगी उस पर बेस्ड होता है। तो लास्ट ईयर की कट ऑफ को चेकआउट करो और देखो कि उसमें कितने मार्क्स आए, उसके बेस पर आप लोगों का इस एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर माना जाएगा। अगर आपने स्टूडेंट 2018 का, ठीक है, आप लोगों ने अगर 2018 और 2019 का कट ऑफ देखा हो, तो 2018 में 130 कट ऑफ गई थी, क्लियर, 400 नंबर का पेपर होता है, उसमें से 130 मार्क्स आए थे, और 2019 का अगर आप कट ऑफ देखेंगे तो 142, तो ये कट ऑफ आई थी उस टाइम पर। तो आप लोगों को पूरी कोशिश करनी है कि इस टाइम पे आप लोगों को इससे ज़्यादा मार्क्स का करना है, तो कट ऑफ के बेस पे आप लोगों का एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर माना जाएगा। यहाँ पे कोई फिक्स नहीं है कि आपको 50 क्वेश्चन करने हैं, 60 क्वेश्चन करने हैं, कितने क्वेश्चन करने हैं, इस पर मैटर नहीं करता। मेरी आपको एडवाइस यही होगी स्टूडेंट कि आप उन्हीं क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना जिसकी नॉलेज आपको सबसे ज़्यादा होगी। जिस क्वेश्चन के बारे में आपको बिल्कुल आइडिया नहीं होगा उसको स्किप कर देना, बिकॉज आप -1 भी नेगेटिव मार्क है, पता लगे कि आप लोगों के मार्क्स आने हैं और वो और डिडक्ट हो जाए, कम होते जाएं, तो बेटर उस क्वेश्चन को आप टच मत करना। जिस भी क्वेश्चन का आपको सबसे ज़्यादा आइडिया उन क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना। मेरी एडवाइस है कि आप खूब अच्छे से पढ़ो, इस पूरी जुलाई में इतनी मेहनत करो कि आप लोग कम से कम 50 क्वेश्चन तो सही कर पाएं। क्लियर हो गया? कम से कम 50 क्वेश्चन आप लोगों को सही करने हैं। और अगर आप लोगों ने देखा कि अगर आप लोग क्या करेंगे, 50 क्वेश्चन अगर आप लोग सही करेंगे, पर क्वेश्चन आपका 40 मार्क होता है, तो 200 नंबर, ठीक है, आपके यहाँ पे आ जाएंगे। तो आपको टारगेट रखना है कम से कम 50 क्वेश्चन तो आपको सही करने हैं, क्योंकि तो आपने देखा कि 142 तक की कट ऑफ जा चुकी, तो आपको कोशिश करना है 150 प्लस आपकी कट ऑफ में मार्क्स आने चाहिए, तभी आपका एडमिशन होगा दिल्ली यूनिवर्सिटी में। तो पूरी कोशिश करना कि अपने तैयारी अच्छे से करो, बाकी मैं जो आपके लिए वीडियो अपलोड कर रही हूँ उनको सबको अच्छे से अटैम्प्ट करो। अगर कोई क्वेरी हो, डाउट हो, आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप लोग यहाँ देखते कमेंट पे कि आप लोगों को यहाँ पे जो डाउट है, यहाँ पे मैं पूरी कट ऑफ देखी है, तो कट ऑफ के बेस पे आप लोगों का क्या होगा यहाँ पे वो होगा। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे एप्लीकेशन आपकी, जब आप लोग एग्ज़ाम दे देंगे उसके बेस पे आपकी, फिर उन लोग देखे, वो लोग देखेंगे कि सीट्स कितनी अवेलेबल है, जितनी सीट्स आप ले उसमें उसके बेस पे लोग कट ऑफ निकालेंगे। कट ऑफ के बाद प्रीवियस ईयर को जो कट ऑफ लेवल है आप लोग यहाँ देख सकते हैं, वो चेकआउट करते हैं कि कितनी कट ऑफ आई थी लास्ट ईयर, उसके बेस पे आपके करंट सेशन पे उसकी कट ऑफ पे आप लोगों को एडमिशन किया जाएगा, आप लोगों का क्लियर एग्जाम माना जाएगा। ओके, तो ये थी इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो आप लोगों की, आशा करती हूँ अब क्लियर हो गई होगी। तो स्टूडेंट, वीडियो अगर आपके डाउट क्लियर हो गए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो चैनल सब्सक्राइब करो, अगर चैनल आपका सब्सक्राइब नहीं, के चैनल पर नए हो तो। आज की क्लास में बस इतना ही, आशा करती हूँ आपके ये डाउट क्लियर हो गए होंगे। तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम स्टूडेंट, और मेरे चैनल पर बने रहिएगा। और आप लोग अगर नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहते हैं या और भी कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।